हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी संस्कृति होम्स चैनल। आज हम बनाएंगे यहाँ पे सावन तीज स्पेशल सत्तू। इन सत्तुओं के बगैर यह तीज एकदम अधूरी होती है, तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आप मेरा यह वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस पे आप लाइक शेयर कॉमेंट्स ज़रूर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पे एक कप सत्तू का आटा लिया है। यह चने की दाल से बनता है। चने की दाल को धो के सुखा के उसको एकदम अच्छे से रोस्ट करके उसको उसका पाउडर बनाते हैं। एक कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई शुगर ली है। इन दोनों को एकदम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसके अंदर एक भी सत्तू के आटे की गंठली नहीं रहनी चाहिए। इसको लगातार आप इसी तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर जो भी गंठलियाँ हैं वो एकदम आसानी से निकल जाए। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, गूंद के फुल्ले भी बना के डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 इलायची को बारीक पीस के उसका पाउडर बना के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इस पाउडर को इसके साथ एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप देसी घी लिया है। यह सत्तू जो होते हैं वो घी से बनते हैं। इसका मेजरमेंट है फ्रेंड्स, 1 किलो सत्तू का आटा, 1 किलो पिसी हुई शुगर और 1/2 किलो देसी घी, यह इसका मेजरमेंट है। अब इस घी को हम इस सत्तू के आटे के अंदर एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें घी इसके अंदर एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। ये देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं अपनी हथेलियों की सहायता से इस तरह से इस आटे की लोई बना के और अपनी हथेलियों में बीच बीच में ऐसे इस तरह से दबा के यह सत्तू तैयार कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यह सत्तू बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैंने सारे सत्तू बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाऊंगी। मैंने कुछ केसर की पंखुड़ियाँ लगाई है इसके ऊपर, कुछ बादाम और पिस्ता के कटिंग की हुई है वो भी इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सत्तू बनके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यह सत्तू? जल्दी से आप इस सत्तू को बनाइए, सबको खिलाइए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इस पर आप लाइक ज़रूर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, इस चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए